जय जगन्नाथ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए फ्रेश वीडियो के अंदर। तो गाइस, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का या फिर एक मतलब हमारे जैसे लोगों का जो कि आईटी फील्ड में है, तो उनका सपना होता है कि कई मतलब कभी तो गूगल जैसे बड़े कंपनी में काम करेंगे, एक अच्छा नाम कमाएंगे और बहुत कुछ। और गूगल तो पता होगा आपको कितना बड़ा कंपनी है, और इसके अंदर काम करने के लिए भी उतना ही कुछ जिगरा लगता है, ठीक है। पर आपका भाई आपके लिए एक शानदार मौका लेके आया है, जिसके तहत आप लोग एक अच्छे से नौकरी पा सकते हो गूगल के अंदर, और ये भी बहुत ही कम एफर्ट में, बहुत ही कम। आप लोग सोचोगे कि भाई गूगल के अंदर जाने के लिए तो मतलब बहुत कुछ चाहिए, जैसे कि डीएसए वगैरह। डीएसए के अंदर बहुत ही हार्ड वर्किंग, मतलब बहुत ही हाई लेवल का कोडिंग चाहिए होगा, डीएसए चाहिए होगा, बहुत कुछ चाहिए होगा। पर नहीं भाई, आपके लिए एक शानदार मौका है। अगर आप लोग जाना चाहते हो गूगल के अंदर, तो इससे अच्छा मौका आपके लिए नहीं हो सकता, ठीक है। बहुत ही शानदार मौका है गाइस। तो चलो गाइस, विदाउट लॉसिंग एनी मोर टाइम चलते हैं अपने वीडियो के अंदर, और बताते हैं आप लोगों को वो क्या अपॉर्चुनिटी है जो कि मैं बताने वाला हूं, ठीक है। तो चलो गाइस, विदाउट लॉसिंग एनी टाइम लेट्स शुरू द वीडियो। तो गाइस, आज हम बात करेंगे गूगल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के ऊपर। ये बेसिकली एक अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है जो कि गूगल चलाता है। ये लगभग साल में एक ही बार आता है, और आप लोगों के मन में आया होगा कि भाई अप्रेंटिसशिप क्या है। ये भाई इंटर्नशिप जैसा ही है, और डिफरेंस ये है कि इंटर्नशिप में कई कई बार मतलब क्या होता है कि पेमेंट नहीं होता, अनपेड होता है, पर अप्रेंटिसशिप जो होता है वो पेमेंट ही होता है, और सैलरी भी अच्छा खासा होता है। जो स्टाइपेंड मिलता है वो भी एक सैलरी से कम नहीं होता, और गूगल के अंदर मतलब स्टाइपेंड तो आपको अंदाज लगा ही सकते हो। और ये फ़ायदा है कि टाइमिंग जो मतलब जो इंटर्नशिप का टाइमिंग रहता है ये 2 से 6 महीने का रहता है, पर अप्रेंटिसशिप का टाइमिंग है ये लगभग 12 महीने से 2 साल तक, मतलब 24 महीने तक होता है, लगभग 1 साल से 2 साल तक इसका जो टाइमिंग रहता है। और एक फ़ायदा ये है कि मतलब जो इंटर्नशिप के लिए कॉलेज, मतलब कॉलेज में ही पढ़ना चाहिए, या फिर कॉलेज से ग्रेजुएट हो सकते हो तो चलेगा इंटर्नशिप के लिए, पर अप्रेंटिसशिप के लिए आपको ऑलरेडी ग्रेजुएट होना ही पड़ेगा। आप लोगों को कॉलेज से अलविदा, बाय बाय, टाटा कहना ही पड़ेगा, ठीक है। आपके पास सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। तो ये थी डिफरेंस जो कि इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप के बारे में। और नेक्स्ट चलते हैं, क्या क्या वो जो अप्रेंटिस है, क्या क्या प्रोग्राम है उसके ऊपर बात करते हैं, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। ये जो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम जो गूगल चलाता है वो क्या क्या है, मतलब किस किस टॉपिक के ऊपर चलाता है, क्या क्या करता है, ठीक है। तो पहले ये जो अपॉर्चुनिटी था ये लगभग 3 के लिए था, वो है डाटा एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग और एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। पर अब इसके अंदर और एक नया मतलब जो फीचर ऐड हो गया, नया एक अपॉर्चुनिटी ऐड हो गया, वो है आईटी के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है। ये एक मतलब नया फील्ड ऐड हो गया, मतलब अब लगभग 4 आपको देखने के लिए मिलेंगे, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, डाटा एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग और एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और ये जो डाटा एनालिटिक्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और डिजिटल मार्केटिंग, इसके ऊपर तो ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, अगर आप लोग चाहो मतलब नो कोड ही बोल लो, इसका जो लास्ट वाला वीडियो था इसके ऊपर बनाया था, तो आप लोग चाहो तो वो भी चेक कर सकते हो, मतलब वो जो फील्ड क्या क्या है। और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन तो आप लोगों को पता ही होगा कि कोड वगैरह लिखना होगा, कोड वगैरह सॉफ्टवेयर आपको डेवलप करना होगा, इसके ऊपर काम है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, टाइम पीरियड क्या क्या है, मतलब कितना टाइम के लिए रहेगा, कितना क्या कुछ मतलब टाइमिंग है इसका। तो ये फुल टाइम नहीं है गाइस, आपके लिए ये जो अपॉर्चुनिटी है ये आपको सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के लिए 12 मंथ की है, डाटा एनालिटिक्स के लिए 24 महीने की है, और डिजिटल मार्केटिंग के लिए 24 महीने की, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए भी 24 महीने की आपको ये जो अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिलेगा। ये फुल टाइम नहीं है, ठीक है। पर फायदा ये है कि गाइस आप लोग गूगल के साथ आप काम करेंगे, मतलब काम करेंगे तो आप लोग तो गूगल से जब निकलेंगे तो आप लोगों को एक बहुत ही ब्रॉड मतलब आइडिया हो गया होगा कि कंपनी काम कैसा करता है और मतलब कैसे चलता है, ठीक है। और गूगल के सर्टिफिकेशन के साथ आप लोग जाते हो तो फिर कोई भी कंपनी आपको मना नहीं करेगा, ये फायदा है। और ऐसा नहीं कि आप लोगों को गूगल से भी जॉब नहीं मिलेगा, अगर आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस करते हो तो गूगल में भी आप लोग इंटरव्यू देके फिर से रह सकते हो, ठीक है, अगर आपके पास इतना ही नॉलेज होगा। तो यही कुछ बात है। तो चलते हैं अपने जो नेक्स्ट जो बात करते हैं उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या आप लोग आपके पास होना चाहिए। कोई भी होगा चलेगा गाइस, कोई भी, मतलब आपके पास अगर BCA की डिग्री है, MCA की डिग्री है, BSc की डिग्री है, BTech की डिग्री है, MTech की डिग्री है, कोई भी डिग्री है तो आप लोग चलेगा, सब कुछ चलेगा। पर बात यह है कि आप लोग रिसेंट ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। रिसेंट ग्रेजुएट मतलब 2023 या फिर 24 में पास आउट होना चाहिए। और एक चीज, आपके पास 1 साल से ज्यादा मतलब एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, आप कंपनी में काम नहीं करना चाहिए, यही कुछ आपको एलिजिबिलिटी होगा तो चलेगा गाइस। बहुत ही एनफ है ये, इतना ही एनफ है। और इसका फायदा ये है कि अगर आप लोग नॉन टेक से टेक के अंदर जाना चाहते हो या फिर टेक से नॉन टेक के अंदर जाना चाहते हो, जैसे कि आप लोग एक कोडिंग आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा तो आप लोग जाना चाहते हो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर,
या फिर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर या फिर डाटा एनालिटिक्स के अंदर ये सब जा सकते हो विदाउट कोडिंग। इसके अंदर कोड ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। या फिर अगर आप लोग नॉन टेक से हो, आप लोग टेक फील्ड के अंदर जाना चाहते हो, तो ये भी आपके लिए एक शानदार ही मौका देखने के लिए मिलेगा। शानदार मतलब बहुत ही अच्छा मौका है। आप लोग जाना चाहते हो तो गाइस आंख बंद करके अप्लाई कर लो, और कैसा क्या कुछ अप्लाई करना है वो भी बता दूंगा आगे वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना इस आपको। और ये जो प्रोग्राम है इसका जो लास्ट डेट आपको अप्लाई करने के लिए देखने के लिए मिलेगा वो 23 अक्टूबर तक ही है। अगर आप लोग बाद में वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ यार नेक्स्ट साल तक इंतजार कर लो, या फिर कोई दूसरा जॉब भी ढूंढ लेना। अगर इसके अंदर देख रहे हो तो जल्दी से जाके अप्लाई कर लो गाइस, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। वहीं से जाके पटाख से चेकआउट कर लेना, अप्लाई भी कर लेना। और अगर 23 के अंदर देख रहे हो तो जल्दी जाओ यार, बहुत ही कम टाइम है, जल्दी जाके अप्लाई कर लो। और ये जो प्रोग्राम स्टार्ट होगा लगभग 2025 मार्च तक स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि गाइस ये जो 2-3 महीने होंगे ना इसके अंदर 4-5 आपको प्रोसेसेस देखने के लिए मिलेंगे, इंटरव्यू राउंड्स देखने के लिए मिलेंगे, तो इसके लिए इतना कुछ टाइम लेंगे गूगल वाले। अगर आ चुके हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस के पास तो बता देते हैं भाई क्या क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले तो आपको आपका जो सीवी, आपका जो रिज्यूमे, सीवी तो नहीं बोलूंगा रिज्यूमे, ठीक है, तो आपका जो रिज्यूमे होगा वो शॉर्टलिस्ट होगा। रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट के लिए आपको एक अच्छा सा रिज्यूमे बनाना पड़ेगा, क्योंकि गाइस आप बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई किए होंगे, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स। तो आपका रिज्यूमे अगर शॉर्टलिस्ट होना है तो आप लोगों को अच्छा सा एक बेहतरीन सा रिज्यूमे मतलब बनाना पड़ेगा, और आपका जो ATS स्कोर भी बहुत ही शानदार होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा गाइस। क्योंकि आप लोग सोचो ना, गूगल जैसे बड़े कंपनी में ATS के बिना काम नहीं होगा, कोई एक मतलब मैनुअली आके चेक नहीं करेगा, ATS ही काम करेगा, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम ATS के द्वारा ही काम किया जाएगा। तो फिर आपका ATS स्कोर अगर अच्छा नहीं होगा तो आपका रिज्यूमे लगभग ही नहीं सिलेक्ट होगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये रिक्वेस्ट है कि आप रिज्यूमे के ऊपर थोड़ा काम कीजिए, थोड़ा अच्छा सा बनाइए, ठीक है, ताकि आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो राउंड आपको देखने के लिए मिलेगा वो है गूगल के अंदर गूगल ऑनलाइन चैलेंजेस, जिसके अंदर आपको कुछ मतलब कोडिंग तो नहीं, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा एप्टीट्यूड एंड रीजोनिंग। जैसे कि बहुत सारे इंटरव्यू में होते हैं ना, मतलब सबसे पहले एप्टीट्यूड एंड रीजोनिंग के ऊपर थोड़ा बहुत एग्जाम वगैरह किया जाता है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ गूगल ऑनलाइन चैलेंजेस के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा एप्टीट्यूड एंड रीजोनिंग के अंदर क्वेश्चंस। आपको इसको मतलब क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर आप लोग दूसरे राउंड में जा सकते हो। और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि इसका जो हर राउंड एलिमिनेशन राउंड है, आप लोग कोई भी राउंड में एलिमिनेट हो सकते हो, इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट राउंड होगा वो एक टेलीफोनिक राउंड होगा, जिसके अंदर आपको करना क्या है कि गूगल के अंदर से कोई भी आपको एक मतलब HR कॉल करेंगे और बात करेंगे आपके साथ, ठीक है, ताकि वो चेक करेंगे ये कि आपका मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है। आप लोग गूगल के साथ बात करेंगे ना, तो आपको ऐसा ही कुछ कम्युनिकेशन ही चाहिए होगा। आप लोग फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पा रहे होंगे, आप लोगों का अच्छा सा एक इंग्लिश स्पोकन स्किल्स भी होना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए अच्छे से, और बात करना आना चाहिए और अच्छे से समझा पाना चाहिए, ठीक है। ऐसा ही कुछ काम है, अगर आप लोग अच्छे से वो कर पाते हो तो वो भी आप लोग क्वालिफाई कर सकते हो गूगल टेलीफोनिक राउंड। उसके बाद जो राउंड है वो दो राउंड्स होंगे, दो मतलब फेस टू फेस राउंड्स, क्योंकि आपके सामने HR रहेगा, आप लोगों को उनके सामने ही जाकर के आप लोगों का आंसर देना है। तो वो है एक है टेक्निकल राउंड, जिसके अंदर आपको डोमेन नॉलेज के बारे में पूछा जाएगा। जैसे कि अगर आप लोग चाहो सॉफ्टवेयर फील्ड के अंदर जाना चाहते हो तो सॉफ्टवेयर फील्ड के अंदर कोडिंग वगैरह कुछ इतना हाई क्वालिटी का नहीं, मतलब मीडियम या फिर बिगनर, ऐसा ही कुछ आपको क्वेश्चंस पूछेंगे, और उसके साथ साथ कोड वगैरह थोड़ा बहुत देंगे, आप लोग वो कर सकते हो तो फिर वो क्वालिफाई हो सकते हो। या फिर आप लोग डाटा एनालिटिक्स के अंदर जाना चाहते हो तो बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज हैं। आपको अगर बेसिक नॉलेज होगा SQL का, Excel का और Power BI और थोड़ा बहुत Python का, तो आप लोग वो भी क्वालिफाई कर सकते हो। और उसके साथ डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी थोड़ा बहुत क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और उसके साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन किए जाएंगे पूछे जाएंगे। और उसके बाद होगा आपका HR इंटरव्यू। HR इंटरव्यू आपका फाइनल इंटरव्यू होगा, अगर आप लोग सिलेक्ट होते हैं तो आपको कंपनी ले लेगा। मतलब इसके अंदर आपको बात किया जाएगा कितना पैसा लोगे आप लोग, कितना क्या कुछ पैसा आपका जरूरत है, वो सब पूछा जाएगा। तो यही थी कुछ बातें गाइस, जो कि आप लोगों को मतलब रिक्रूटमेंट प्रोसेस के ऊपर है। ये जो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है इसके अंदर काम ये है कि आप लोग गूगल के साथ जाकर के काम करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को मतलब कुछ सिखाया जाएगा, उनका जो कुछ मतलब इंस्ट्रक्टर होंगे आपको सिखाएंगे कुछ, और आपको गूगल के साथ मिलकर के काम करना है कुछ प्रोजेक्ट्स, जो कि रियल टाइम प्रोजेक्ट्स होंगे गूगल के अंदर, जो भी मिला होगा आप लोगों को असाइन किया जाएगा वो प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग उसका काम करेंगे, उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे, उसको सोल्यूशन देंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं बता देना चाहता हूँ
कि इसके अंदर लगभग 20% आपको गूगल के प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलेंगे जो कि आप लोगों को काम करना है, ठीक है। और 80% आपको सिखाया जाएगा क्या क्या कुछ काम कर सकते हो, कैसा को क्या कुछ काम करना है कंपनी के अंदर, सब कुछ सिखाया जाएगा। और उसके साथ साथ आपको पैसा भी मिलेगा गाइस, ये इसका फायदा है कि आप लोगों को गूगल के साथ इंस्ट्रक्टर, इतना शानदार इंस्ट्रक्टर मिलेंगे जो कि आप लोगों को पढ़ाएंगे। और गूगल के ऑफिस के अंदर भी वो एक मतलब अंदर से एक अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन भी मिलता है कि भाई गूगल के अंदर काम करना है, मतलब इतना बड़ा नाम है, इतना अच्छा अच्छा काम करते हैं वो लोग। और इंडिया का सबसे नंबर वन सर्च इंजन भी बोल लो, क्योंकि गूगल से ज़्यादा मतलब अच्छा कोई सर्च इंजन भी अब तक नहीं आया, ठीक है। एक नंबर का सर्च इंजन है इंडिया के अंदर, नहीं वर्ल्ड के अंदर बोल लो। इनके ऑफिस के अंदर जा करके आप लोगों को सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा और काम भी किया जाएगा, उसके साथ साथ पैसा भी मिलेगा आप लोगों को, और इतना लो एफर्ट के साथ। आप लोग सोचो भाई, और ये मौका गाइस बार बार नहीं मिलेगा, आप लोगों को ये मौका मिला है तो जल्दी जा करके अप्लाई कर लो। एंड एट लास्ट गाइस मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इस अपॉर्चुनिटी के अंदर अप्लाई करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक देखने के लिए मिल जाएगा, डायरेक्ट लिंक, आप लोगों को जाना है, अप्लाई करना है और मजा लेना है, ठीक है। और एक चीज गाइस, आप लोगों को आपका जो सीवी होगा उसके ऊपर बहुत ही शानदार तरीके से काम करना है, क्योंकि ये एक चीज आपके मतलब आपके साथ नहीं है, आपके पक्ष में नहीं है, क्योंकि वो गूगल ही सिलेक्ट करेगा कौन सा सीवी शॉर्टलिस्ट हुए हैं, क्योंकि अच्छा सा एक सीवी बनाना है और उसके बाद जा करके अपने ऊपर काम आ जाता है कि आपको क्वालिफाई करना है कैसे क्या कुछ करके, आपको आपका जो परफॉर्मेंस दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका सीवी को ए क्लास बनाना है, ठीक है। तो लग जाओ गाइस, जल्दी से लग जाओ काम पे। और आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। अगर कोई दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ यार कमेंट भी कर देना, और नेक्स्ट वीडियो तक इंतजार करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर और भी शानदार टॉपिक के साथ आ रहे हैं हम, और एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी के साथ आ रहे हैं। तो प्लीज़ यार नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ट्यून रहना और सब्सक्राइब करके रख देना, क्योंकि नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।